फिट है इंडिया तो हिट है इंडिया, आज यही मंत्र जहन में रख के हम इस इंटरव्यू की शुरुआत करने वाले हैं। और हमारे साथ है अबिगैल पांडे, वेलकम फर्स्टली। थैंक यू सो मच। ओके, हम आपके अब ओबीसी अटायर से गुमान लगा सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं आज और किस मौके पर आए। फर्स्टली क्या कहना चाहेंगे अबाउट द मौका जिसमें कि हम आए? सो वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेटेड ऑन द 21st of June, एंड बहुत लोग ट्राई करते हैं इस टाइम पे अवेयरनेस क्रिएट करने का अबाउट योगा, बिकॉज योगा इवन दो इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, अभी जाके रिसेंट टाइम्स में वो पॉपुलर हुआ है क्योंकि वो बाहर पॉपुलर हुआ है, एंड वी डोंट नो वॉट इट कैन डू फॉर अस, एंड इट्स वेरी वेरी गुड फॉर अस। सो बेसिकली अभी मैं कुछ बैक एक्सरसाइजेस करूंगी क्योंकि जनरली आफ्टर द एज ऑफ 30-32 अ लॉट ऑफ पीपल डेवलप लोअर बैक प्रॉब्लम्स और बैक स्पैजम्स बिकॉज सिटिंग जॉब्स होती है, एक्सरसाइज नहीं होती उतनी, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ गुड स्पाइन क्योंकि your entire posture depends on it. So I'm going to make you, I'm going to do some exercises for you जो आपके back को strong रखेगी, stretch करेगी back को, and if you do it regularly तो आपके back problems दूर हो सकते हैं। हम सोशल मीडिया पे बहुत फॉलो करते हैं आपको, आपके वीडियोस हमने काफी देखे हैं योगा के तरह तरह के आसन के, तो शुरुआत में जानना चाहूंगी कहाँ से आपने योगा की शुरुआत की, कौन था पीछे, मतलब यू नो कि कोई एक होता है मोटिवेशन या पुश करने के लिए, तो अबिगैल की पूरी कहानी क्या है? एक्चुअली मैं आई थिंक ऑलमोस्ट इट्स बीन 11 ईयर्स, 11 साल से काम कर रही हूँ, एंड जब मैंने ज्वाइन की थी इंडस्ट्री मैं चबी थी काफ़ी, एंड आई वॉन्टेड टू लूज दैट वेट क्योंकि ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि पतला रहना जरूरी है बट फिट रहना इंपॉर्टेंट है, एंड ऑब्वियसली आई वॉज ओवर वेट सो आई वॉन्टेड टू कट डाउन द वेट। सो मैं जिम गई, आई डिड MMA, बहुत चीज़ें करी, एंड वन डे वन ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक अरे ये एक स्टूडियो है एंड यहाँ पे हॉट योगा होता है न्यू एज स्टूडियो में, एंड बहुत अच्छा होता है, एक ट्रायल के लिए चल लेते हैं, एंड आई जस्ट लुक्ड एट हिम सेइंग कि यार क्या मैं MMA करती हूँ, आई गो टू द जिम, मैं योगा एंड एवरीथिंग। सो आई वॉज वेरी अनकन्विंस्ड देन, बट जब मैं यहाँ पे आई आई रियलाइज हाउ टफ योगा इज। लोगों को लगता है कि अरे योगा तो ईजी है, उससे वेट लॉस नहीं होता है, बट हीट में जब करते हैं आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आप योगा ऑल्सो वर्क इंटरनली, आपके मेटाबोलिज्म को इंक्रीज करती है, आपके बहुत ऐसे थायरॉइड पैनक्रियास पे वर्क करते हैं, सो आई थिंक इट्स वेरी गुड ओवरऑल। तो मैंने जब आई डिड द क्लास एंड आई लव्ड इट, सो आउट ऑफ ऑल द फ्रेंड्स जो ट्रायल देने आई थी आई वॉज ओनली वन जिसने ज्वाइन किया यहाँ पे, एंड 2 साल हो गए, एंड व्हेन आई डिड नच अप हम कर रहे थे आई रियलाइज दैट योगा की वजह से मेरी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो गई थी एंड मेरा कोर कितना स्ट्रांग था, आई कुड डू थिंग्स जो मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं लाइफ में कर पाऊंगी, एंड दैट वॉज ऑल बिकॉज ऑफ योगा। सो आई थिंक आफ्टर दैट इट मोटिवेटेड मी मोर दैट यू नो कि दिस इज हेल्प मी, 2 साल में मैंने बिना रियलाइज के इतना इम्प्रूवमेंट किया है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क हार्डर एंड दैट्स व्हाट आई बीन डूइंग। कोई आसन का नाम है अगर जो आप बताने वाली हैं, क्या कहते हैं? आई स्टार्ट विद द बेसिक आसन, आई स्टार्ट विद भुजंग आसन विच इज अ वेरी बेसिक वेरी इजी आसन, एंड आई विल गो अहेड एंड टेल यू व्हाइल आई एम डूइंग इट। लेट्स बिगिन। बेसिकली अभी मैंने एक स्पाइन सीरीज की है विच हैड अपवर्ड डॉग, डाउनवर्ड डॉग, इट हैड द कोबरा पॉस्चर, हाफ कोबरा पॉस्चर एंड फिश पॉस्चर, सो ऑल दीज बैक्स रियली वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर, ऑल दीज एक्सरसाइजेज वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर स्पाइन, एंड फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एज आई टोल्ड यू माई बैक हैड अ प्रॉब्लम इट सेल्फ, सो आई एम स्टिल वर्किंग ऑन गेटिंग अ बेटर स्पाइन, बट आई थिंक द आइडिया इज टू नेवर स्टॉप वर्किंग। तो अभी जो मैंने वर्कआउट जो एक्सरसाइजेज आसन की हैं अभी that basically starts, I started with the beginner's posture and then I went into a little advanced version of all the postures that I could. So you start with your beginners, get comfortable with it, your body will tell you when you're ready to you know push yourself more and everything. The idea is just to keep fit guys, keep your back strong, it's very important for your immunity. You know when you work on your spine, when you do spine exercises, it actually helps you de-stress a lot, so it's really really important. And you know, you can save yourself from getting back problems in the future if you work hard on it now.
जैसे शुरुआत में मैंने कहा फिट है तो हिट है, इस मंत्रा को अभिगेल ने आज पूरी तरह से जस्टिफाई किया है। दैट वाज ब्रावो अभिगेल, मैं देख कर ही दंग रह गई आपको। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, पर अभी बहुत काम है और चीजें करनी है और सीखना है। एंड आई वुड रियली रियली सजेस्ट एवरीबडी कि आप एटलीस्ट ब्रीदिंग कर लीजिए, कुछ नहीं तो इट रियली रियली हेल्प्स। फिजिकली फिट तो रहना इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम वर्कआउट या योगा या कोई भी जो भी आप कंफर्टेबल है करने में, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी से आपकी मेंटल हालत भी बहुत बहुत इंप्रूव होती है। सो प्लीज प्लीज गाइज, रिमूव 20 मिनट्स और हाफ एन आवर फ्रॉम योर टाइम एंड प्लीज प्लीज वर्कआउट। कम टू न्यू एज हॉट योगा, यहाँ पे मैं योगा करती हूँ एंड आई थिंक आईव लर्न वट एवर आईव लर्न फ्रॉम योर। आपको जहाँ कंफर्टेबल लगता है वहाँ जाइए, पर यहाँ पे भी आइए। थैंक यू सो मच अभिगेल, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू, बाय बाय। कैमरा पर्सन भुवन सिंह के साथ ज़ारा खान, E24 न्यूज़ 24 मुंबई।